Assalamu alaikum, welcome to Honey and my fashion project file. My DDM dressmaking and dress designing folders. Let's start now. चलिए आज हम आपको दिखाएंगे कि मेरे folders की starting decorations, front decoration. तो जी ये आपके सामने है. ये folder ज़बरदस्त ready हुआ है. Window decoration है, ये fish look decoration है. बहुत ही अच्छी लगती है. आप भी अपने फोल्डर्स, रजिस्टर्स और इन चीज़ों को डेकोर ज़रूर कीजिएगा, किया करें. तो चलें हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने प्रोजेक्ट की फाइल्स. तो ये बहुत ही अच्छी लगती है मुझे. तो अब हम आपको ओपन करके दिखाएंगे. ये नीटिंग का फोल्डर है. जैसे कि आपको नीटिंग ये वाली ये हैंड नीटिंग है. तो स्टार्ट करते हैं इसके डिज़ाइन से. तो ये सारे डिज़ाइन हैं हैंड नीटिंग के. इस तरीके से मुख्तलिफ नाम है इनके. तो ये उल्टा सीधा है, साथ बॉर्डर है, और ये सुराहों वाला ये टोपी है. टोपी के ऊपर फ्लावर लगाया हुआ है. ये खुस्सा है जो कि न्यू बॉर्न बेबी के लिए हैं, और ये मोज़े हैं. इट्स अमेजिंग लुक. तो ये हैंड नीटिंग फोल्डर है. ये आपको दोबारा एक दफ़ा रिव्यू दिखा दे. इस तरीके से ये हैंड नीटिंग का फोल्डर है. तो जी ये जो सा फोल्डर है, ये हमारा सिविंग का फोल्डर है. तो स्टार्ट करते हैं इसकी स्टिचेस से, जो कि स्ट्रेट स्टिच है. बेसिक स्टिचेस जो उनसे स्टार्टिंग पे करवाए जाते हैं, स्ट्रेट, कर्व, स्क्वायर, क्यूब, ये इस तरह से. ये अराउंड फॉर्म में है इस तरीके से, ये स्क्वायर फॉर्म में है, ये स्ट्रेट है लाइन बाय लाइन. जी ये हैं बेसिक गले, यानी कि बुनियादी गले. बुनियादी तीन गले होते हैं, गोल, ये गोल गला है. इस तरीके से आप मेंशन कर सकते हैं स्टार्टिंग पे. ये वी गला है, वी नेक लाइन, और ये चकोर गला है, स्क्वायर नेक लाइन. तो चलें अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हीम. ये विजिबल हीम है. हीम कहते हैं तरपाई को. तो ये हीम है. ये इनविजिबल हीम है इस तरीके से. और ये गैदर्स हैं, चुनर्स. और ये बॉक्स प्लेट हैं, और ये इन्वर्टेड प्लेट्स हैं, और ये जिप. ये स्टिचेस हैं बेसिक स्टिचेस जो उनसे टू हैं, रनिंग एंड बैक स्टिच. नेक्स्ट फोल्डर. तो जी ये जो उनसा है पैटर्न मेकिंग का फोल्डर है. तो इसके अंदर हम लोगों ने लाइंस के ऊपर सिलाइयाँ लगाई हुई हैं, और ये है. तो जी यहाँ से स्टार्ट करते हैं. यहाँ पर फ्रॉक्स के डिज़ाइन है. तो ये 1/4 स्केल में हम लोगों ने कटिंग किया हुआ है. पहले इसको पैटर्न इसका बनाया हुआ है, और फिर इसको कट कर लिया है. और ये भी कटिंग किए हुए हैं फ्रॉक्स वगैरह. ये अम्ब्रेला फ्रॉक था, ये उसकी बॉडी है, ये बाजू हैं, ये भी ये फुल बाजू हैं जो कि एक साल बच्ची का होता है. ये पैटर्न ही है बेबी गलों के, बेबी नेक लाइन्स हैं. तो ये डिफरेंट बच्चों के जैसे डिज़ाइंस होते हैं. ये ट्राउज़र था, और ये इस तरह से ये सारे पैटर्न्स हैं. ऑल हैव डन. तो अब हम लोग नेक्स्ट के चलते हैं. नेक्स्ट है हमारा एम्ब्रॉयडरी का. तो हमारा एम्ब्रॉयडरी का स्टार्ट करते हैं फोल्डर डिफरेंट स्टिचेस. तो ये है स्टैम्प स्टिच. दिस इज़ अ ब्यूटीफुल लुक ऑफ स्ट्रॉबेरी.
तो ये स्टैम्प स्टिच जो सा है इसको बोलते हैं डंडी टांका। तो मैं आपको उर्दू में भी साथ एक्सप्लेन करती चलती हूँ। है हेरिंग बोन स्टिच मछली टांका, ये है पर्ल स्टिच मोती टांका, और ये है रनिंग स्टिच, इसके ऊपर रोज स्टिच भी हुआ है, और ये है क्रॉस स्टिच। क्रॉस स्टिच के साथ डिफरेंट टांके यूज हुए हैं, इसके अंदर स्टैम्प स्टिच भी है और वो भी है, और ये है लेजी डेजी प्लस फिलिंग स्टिच, और ये भी ये है बुलियन स्टिच और फैदर स्टिच, इसको रोज स्टिच भी बोलते हैं और बुलियन स्टिच भी बोलते हैं, और ये है मिरर वर्क और प्लस फिलिंग स्टिच है, और ये फैदर स्टिच है, डिफरेंट फैदर में है, इसको ब्लैंकेट स्टिच भी बोलते हैं। इट्स अमेजिंग, ये तो बहुत ही खूबसूरत है। इसके अंदर स्पाइडर स्टिच है, इसके अंदर रो स्टिच है, इसके अंदर स्टैम्प स्टिच है, और इसके ऊपर रनिंग स्टिच भी हुआ हुआ है, नॉटेड स्टिच भी हुआ हुआ है, लेजी डेजी भी हुआ हुआ है। इट्स अमेजिंग लुक लाइक। तो ये है चेन स्टिच जिसको जंजीरी टांका बोलते हैं, ये है कोरे और दबके से बनी हुई बटरफ्लाई, तो इसके अंदर कोरा भी यूज़ हुआ हुआ है और दबका भी यूज़ हुआ हुआ है। तो ये है रिबन वर्क जिसका फ्लावर रेडी किया गया हुआ है, रिबन वर्क है, और ये है चार सूती कपड़े के ऊपर कढ़ाई। इस तरह से क्रॉस स्टिच को हम लोग इस तरह इस कपड़े के ऊपर स्टिच करते हैं, और ये शिप बनी हुई है, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। और ये है तारकशी के तीन डिज़ाइंस हैं जो कि हम लोग कपड़े के अंदर से धागा निकाल के और इस तरीके से डिज़ाइन बनाते हैं तारकशी के। ये है वूलन स्टिच जो कि वूल धागे से हम लोगों ने स्टिच किया हुआ है, तो ये हम लोगों ने इस तरीके से पॉम अप बनाया हुआ है इस तरीके से। तो ये है कोचिंग स्टिच जो कि आपके सामने है, फिश टैडी की भी थी टैरशीट, ये भी फोल्डर कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट फोल्डर की तरफ जाते हैं, ये है ड्राइंग एंड डिज़ाइन का फोल्डर। तो जी ये यहाँ पे आपको दिखाएंगे कि ये बेसिक लाइंस हैं, यहाँ पे बेसिक लाइंस को यूज़ करने के बाद हम लोगों ने डिज़ाइंस रेडी किए हुए हैं। तो ये हॉरिजॉन्टल कर्व वगैरह है, ये है इस्लामिक आर्ट, इसके अंदर इस्लामिक आर्ट यूज़ किया गया हुआ है, आर्ट के डिज़ाइंस हैं, इस्लामिक आर्ट के डिज़ाइंस हैं। तो ये इस तरीके से हम लोगों ने सिक्स इस्लामिक आर्ट के डिज़ाइंस हमने एक ब्लॉक के अंदर बनाए हैं। तो जी ये इस्लामिक आर्ट है। तो जी नेक्स्ट है सिलेंड्रिकल शेप्स, तो ये है सिलेंड्रिकल शेप्स से बनाई गई हुई चीज़, कोई भी चीज़ हो सकती है, बॉटल ग्लास कोई भी चीज़ बना सकते हैं जो सिलेंड्रिकल शेप में आ रही हो। तो यहाँ पर ये आपके सामने है सिलेंड्रिकल शेप्स। तो ये है पार्ट्स ऑफ बॉडी, तो ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडीज़ हैं, जैसे कि आइज़, लिप्स, नोज, ईयर, टंग, टीथ, फिंगर्स, थंब, फिंगर। तो ये देखिए, इस तरीके से फिंगर है, लेग है, आर्म है, फुट है, ये, और ये पूरी पार्ट्स ऑफ बॉडी है। और यहाँ पर ये बॉय है, पार्ट्स ऑफ बॉडी को शो कर रहा है, और ये फेस है। तो जी नेक्स्ट है, ये आपको एक दफ़ा करीब से दिखा रहे फिर से,
नेक्स्ट करने लगे आप। तो जी ये फेस, तो ये है बेसिक शेप्स, जो कि बेसिक शेप्स आना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे ड्राइंग का ज़्यादातर मकसद यानी कि स्टार्टिंग ही है। तो ये जो बेसिक शेप्स हैं इनको हम लोगों ने इस हार्ट के अंदर यूज़ किया हुआ है, इसके अंदर तमाम। ओ वाओ, दिस इज़ अमेजिंग। तो ये है हमारी स्टिल लाइफ, तो ये स्टिल लाइफ है। नेक्स्ट है बॉडी, ह्यूमन बॉडी। तो ये है ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर मेजरमेंट के साथ। तो ये है कलर पेंसिल के अंदर ड्रेस, तो ये कलर पेंसिल का ड्रेस है और ये भी कलर पेंसिल की पेंटिंग है। तो ये बहुत खूबसूरत है वैसे। तो ये है कलर पेंसिल से ड्राइंग, तो ये बहुत खूबसूरत है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको सबसे अच्छा फोल्डर कौन सा लगा। तो जी ये जो सा है ये भी कलर्ड पेंसिल में ही था और ये पोस्टर कलर में है, पोस्टर कलर में फ्लावर है। तो ये पोस्टर कलर है और ये भी पोस्टर कलर में ही फ्लावर है और ये पेस्टल कलर में पेंटिंग का सीन है। तो ये भी बहुत ज़बरदस्त है वैसे। तो और नेक्स्ट ये भी पेंसिल कलर में ही पैरेट है। तो जी ये नेक्स्ट है हमारे बेसिक कलर्स, थ्री बेसिक कलर्स हैं। तो उनको यूज़ करने से ये हमारे कलर बने हैं। जैसे कि इन दोनों कलर को यूज़ करें तो ये बनता है, ये थ्री बेसिक कलर्स हैं, इन दोनों यूज़ करें तो ये सारे ये वाले कलर बनते हैं, ये और ये। जैसे कि ये थ्री हमारे बेसिक कलर्स हैं, इसके अंदर वाइट ऐड करते जाएंगे तो ये सारे कलर बनते जाएंगे, इसमें ब्लैक ऐड करते जाएंगे तो ये हमारे डार्कर्स डार्क होते जाएंगे कलर्स। ये है कलर व्हील, जैसे कि हम लोगों ने कलर्स के अंदर कलर मिक्स किए तो ये इस तरीके से हम लोग कलर चेंज कर सकते हैं। ये कलर एक कलर से ढेर सारे कलर बनाने का मेथड, और वो है कलर फ्लावर। तो ये है हमारे पास बेसिक डिज़ाइंस हैं, ये भी सिलेंड्रिकल शेप्स की थिंग्स ही हैं, ये भी बना सकते हैं हम लोग। ये भी हार्ट है बेसिक शेप से। आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूवमेंट आ जाती है। और ये भी डिज़ाइंस हैं, तो जी ये भी पेंटिंग है, ये भी पोस्टर कलर में और ये है पेंसिल कलर में ड्राइंग। आई होप कि आपको नज़र आ गई हो अच्छी तरह से। ये भी पोस्टर कलर में ही है, ये भी पोस्टर कलर में है और ये भी पोस्टर कलर में ही है। आई होप कि आपको फोल्डर्स अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।